अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो मैं चलकर योगर्ट के साथ, वो रात को पानी में भिगोए हुए चिया सीड्स मेरे फूले हुए हैं, तो बहुत से लोग पूछ रहे थे योगर्ट के साथ कैसे लेने हैं। चलें चलकर बताते हैं। ये जो पेट के ऊपर एक्स्ट्रा फैट है ना, वो ख़त्म होती है। तो जितने जितने लोगों की टिड्डियाँ निकली हुई हैं, वो चलकर ये देख लें कि योगर्ट के साथ और ओटमील के साथ फिर इसको कैसे हमने कंबाइन टिड्डियाँ अंदर कैसे करनी है। लेट्स गो। ये मैंने रात को 2 चम्मच भिगो दिया था, ये इस तरह से जेल सा बन गया है। और ये दही जमाया हुआ हमने, ये इस तरह बड़ा अच्छा जम गया है। आ जाओ खा लो खाना, मैंने कहा खा लो। तो ये नई लड़की है, इसका नाम खानजाद है, इसको हमने रखा है। अच्छा जी, पहले अब दही डाल लेते हैं। ये अब बना रहे हैं चिया सीड के साथ पुडिंग। थोड़ा सा ये हमने डाला इसमें दही। लोग पूछ रहे थे कि कैसे भाई खाना है इसके साथ। थोड़ा सा इस पे डाला चिया सीड ऐसे, थोड़ी सी, फिर इसके अंदर दोबारा दही डाली ऊपर। लेयर्स में हो गया ना, लेयर्स में हो गया ना। इस तरह ये आपका एक वक्त का बड़ा अच्छा मील बन जाएगा। और थोड़ा सा इसके ऊपर मजीद चिया सीड डालना। ये देखिए, तो ये इस तरह से, ये आपकी, ये देखें लेयर में नज़र भी आ रहा है। और टॉप के ऊपर आप थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज डाल सकते हैं, ये मैंने ज़्यादा भर दी है। या आप थोड़ा सा, मैं तो वो डालती हूँ शहद। तो इसको आपने इस तरह से, और ओट मील भी पूछ रहे थे कि लोग ओट मील कैसे बनाते हैं। तो ये देखें, ये ओट मील इस तरह मिल जाएगा आपको। इसको पीले ढकने वाला डब्बा आमतौर पर कहा जाता है। हम तो हमारे घर में यही होता है कि पीले ढकने वाला ओट मील ले आए। और एक इसी तरह प्याले में दूध डालें, और इसके 2 टेबलस्पून आप कितना डालते हैं मुझे सुबह? 2 or 3 spoons, that's it. Small. छोटे 2 चम्मच इसमें से ओटमील आप डालें उसमें, और उसको माइक्रोवेव कर लें कितने मिनट? About 1.5 minutes. 1 मिनट या डेढ़ से 2 मिनट। हाँ, ये देखिए ये ओटमील है। तो ये अगर आप एक प्याले दूध में 2 चम्मच ये डाल के 1 मिनट माइक्रोवेव करें तो आपका ओटमील तैयार हो जाता है। उसके साथ उसको ठंडा करके, गर्म में चिया सीड नहीं अच्छा लगता, ठंडा करके उसमें ये आप डालें तो ये आपका पुडिंग बन जाती है विद ओटमील एंड विद योगर्ट। सलाम अलैकुम। ये क्या कंधे पर उठा के ला रही हो तुम? यार ये आए हैं कपड़े जो मैं आमना के लिए लेकर गई थी ना, okay. शादी अटेंड करनी थी। हाँ हाँ। वो किसी वापस आते हुए बंदे के हाथ उसने मुझे भेजे, जो मेरे यूं मेरे आए, मैं दिखाती हूँ इसको हैंगर में टांगना। अच्छा चलो ठीक है, ओके। देखती हूँ, वो कह रही थी कि इतने सारे कपड़ों की जरूरत नहीं है, मुझे उनसे यूज कर लिए हैं, तो मैं देखती हूँ कौन कौन से वापिस भेजे। ओके ठीक है, लेकिन मुझे तुम थोड़ा सा कोई परेशान परेशान लग रही हो। खैरियत है? परेशान मुझे भी इसलिए क्योंकि रानी और ड्राइवर जो है वो छुट्टी चले गए हैं ना। फिर क्या हुआ? कोई बात नहीं, नहीं मतलब नहीं, बात तो मुजीब है क्योंकि क्लिनिक का सारा काम करने के बाद घर आकर खाना बनाना, फिर कल से वो दूसरी आ जाएगी। कपड़े निकालती हूँ ठीक है, और इनको हैंगर में टांगती हैं। इनको मैं पहले देखती हूँ, लहंगा शरीफ। ओके, ये आ गया वापस। ये शरीफ है, इसका वेट बहुत था वैसे, कोई लेयर है उसकी मेहरबानी। वाकई यू आर राइट। एक ये दुपट्टा था हैवी सा। और अल्लाह आपका भला करे तो एक ये वो गरारा था ना ये। ओके ओके, साथ इसके इसका क्यूटी सा पाउची। नान लेने जा रहे हैं घर में, आलू गोश्त बना है, मैंने कहा चले इसके हमारी नान साथ लेते हैं, देखते हैं ये भी हमारी बनी है कि नहीं। लो जी खान साहब बन गया, कोई नहीं। अच्छा अभी आपके पास कौन कौन से नान होते हैं? हर किस्म का,
अच्छा ओके ओके ओके। तो अभी कितनी देर है हमारे नान बनने में? ओके नान बिस्किट ये मीठा मीठा ओके। पर ये कैसे दिए? एक दाना 30 रुपए के, पूरा डब्बा 650 रुपए। हमारे नान आ गए। थैंक यू जी मेहरबानी। लेने आया हूँ लाओ जी दिखाओ। वाह जी गुड हो गया, ये दूध आ गया हमारा। चलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो तंदूर की रोटी हम ले आए क्योंकि आलू गोश्त बना हुआ है और आलू गोश्त के साथ वो जो एक अफगानी नान है वो हमें बहुत पसंद है, तो वो मुझे ले आए हैं। मैं ले आया और अभी मैं जाकर नीचे लगाने लगी हूँ खाना। ना प्लेटें वगैरह मैंने लगा दी, ये मैं बताने लगा था। चलो बस ठीक है, बस फिर तो मुझे थोड़ा सा गर्म ही करना पड़ेगा, खाना तैयार है। तो लेकिन मैंने ये इतने सारे देखा, मेरे पास बहुत ज्यादा कलेक्शन है ऑयल्स की, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं आपसे ये बात करूं कि ऑयलिंग बालों के लिए अच्छी है कि नहीं है। मुझे तो ये ऑयलिंग नहीं पसंद। उसकी मैं रीजन बता देती हूँ कि यार असल में जो आपके ओरिजिनल बाल हैं, चाहे वो कम है ज्यादा है, स्ट्रेट है कर्ली है लंबे हैं या छोटे हैं, दीज आर ऑल जेनेटिकली डिटरमिन्ड और कोई माइका लाल उसको जो आपने जेनेटिकली इनहेरिट किए हुए हैं जिस तरह के बाल वो चेंज नहीं कोई कर सकता। हाँ अलबत्ता उसका टेक्सचर आप जिस तरह से बालों को हैंडल करते हैं उस तरह से वो बेहतर कर सकते हैं और उसको आप उनको आप संभाल के जिस तरह के बाल आपको जेनेटिकली मिले हैं उसी तरह ही आप उसको बेहतर तरीके से आप रख सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। ऑयलिंग मुझे क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि यार ऑयलिंग के बाद आपको दो दफा शैम्पू करना पड़ता है, बल्कि जो पहले वाले ऑयल्स हैं वो भी निकल जाते हैं, बाल और ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। या अगर आप ऑयलिंग करके 10 मिनट के बाद नहा लें और रिंस कर लें और ज्यादा ना रिंस करें, फिर गर्म पानी से रिंस करना पड़ता है, वो भी बहुत अच्छा नहीं है। बालों को ठंडे पानी से रिंस करना चाहिए और ठंडे पानी से ऑयल निकलता नहीं है। उसके अलावा अगर आप ओवरनाइट छोड़ देते हैं बालों को तेल में, तकिए का तो नाश हो ही जाएगा लेकिन आपकी जड़ें भी नरम हो जाएंगी और बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, मतलब बाल निकलते हैं फिर अगर आप इतने लंबे अरसे के लिए इनको ऑयल में डूबा रहने दें तो। ये सारे ऑयल मैंने क्यों रखे हुए, क्योंकि इनके और बहुत से फायदे हैं कि जो अगर हाथों के रिंकल्स आपने खत्म करने हैं, हाथों को यंग रखना है, तो उसके लिए कुछ मास्क बनते हैं जिनमें मैं ऑयल डालती हूँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बता दूंगी। फेस मास्क जो होते हैं बहुत सारे, उनमें ऑयल डलता है, उसके काम आता है। बॉडी की मसाज के लिए ऑयल इज वेरी गुड, क्योंकि सर्कुलेशन अच्छी होती है। सिमिलरली जो ऑयलिंग हमारी अम्मियां या नानियां करती थी उससे भी यही होता था कि आपके बालों की सर्कुलेशन ज्यादा अच्छी हो जाती थी, लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती है कि आपको इतनी दफा धोना पड़ता है, नहीं तो फिर आपके बाल ऑयली हो जाते हैं अगले दिन ही अगर आप ऑयल लगाएं तो। तो एक मैं आपको बालों का अच्छा नुस्खा बता देती हूँ, विच इज आप कह लें कि एक योगा भी है वो। ये ऑयल दिखाने से पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ कि कैसे करना है। आपने या तो आप बेड पे उल्टी लेट के बेड के कोने से अपने सर को नीचे की तरफ झुका लें इस तरह से, ये देखिए ये नीचे अब आपकी सारी सर्कुलेशन आपकी फेस पे और स्कल पे आ गई है, और अब आप इसके अंदर अपनी उंगलियां डाल के अपने हाथों से मसाज दें और लंबे लंबे सांस लें, यानी नाक से आपने इनहेल करना है और मुंह से आपने एक्सहेल करना है इस तरह। इनहेल करें, थोड़ा सा रोकें सांस और फिर एक्सहेल करें। उससे क्या होगा कि आपकी जो सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी फेस की भी, और तो ये वाला जो मकसद है ना वो पूरा हो जाएगा। एंड दिस इज अ वेरी गुड योगा एक्सरसाइज फॉर बालों की केयर के लिए। उसके अलावा बालों की केयर, यार गीले बालों में कभी भी ब्रश ना करें, और अगर आपने बालों की आपने अपनी ये टेंगल्स निकालने हैं तो मैं आपको तरीका बता देती हूँ। अच्छा हम क्या करते हैं ना कि हम बालों को ऊपर से करते हैं और वो नीचे जाकर जहां उलझे हुए हैं वहां रुक जाता है और नीचे सारी टेंगल्स जमा हो जाती है, और फिर जोर से जब हम करते हैं तो वो नीचे से टूटता है जब बाल, तो वो दो मुंह जिसको कहते हैं, दो शाखे हो जाती है, डैमेज हो जाते हैं ना बाल बेसिकली। तो आपने क्या करना है कि आपने जब भी ब्रश करना है आप बालों को अपनी हथेली पे ले लें और नीचे से आप उसके टेंगल्स निकालने शुरू करें। ये देखें नीचे से, ये
नीचे से करते जाए और ऊपर जाते जाए। बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। ये देखिए, और रात को सोने से पहले आप थोड़ा सा इन ब्रिसल्स जो है ये इनको आप थोड़ा सा स्कल के साथ लगाकर काफी दफा ब्रश करें, उससे भी सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। इसके अलावा आप ठंडे पानी से बालों को अगर रिंस करेंगे तो दैट इज वेरी गुड। बालों को बहुत ज्यादा हीट ना दें, थोड़ा सा अगर ड्राई, जैसे मैं अगर अपने सैलून जाती हूँ ना, मैं मीडियम पे हीट रखवाती हूँ और मैं कभी भी उनको नहीं कहती कि मेरे बालों के साथ वो लगाकर उसको ड्राई करें, उससे डैमेज होता है, दूर रखवाएं। बिल्कुल ठीक है, दैट्स इट। और फिर जैसे भी आपके बाल हैं आप उसके मुताबिक, कम बाल हैं तो उसको उस तरह का स्टाइल बनाए, कर्ली बाल है तो वो बहुत क्यूट लगते हैं, उस तरह का स्टाइल बनाए। हाँ, हर एक टाइप के अपना तो स्टाइल है ना। आपको मिल गए हैं ना लमिया की तरफ से बाल, उनको आप उस तरह से अपना फेस के साथ अपना जो मैच करता है उस तरह का अपना हेयर स्टाइल बनाए। ये अभी देखिए मुख्तलिफ किस्म के ऑयल्स हैं, ये मिक्सचर ऑफ ऑयल है, गुड फॉर एवरीथिंग। कोकोनट ऑयल है, बहुत अच्छा होता है ये भी, मतलब हाथों के लिए मॉइस्चराइज जहां भी करना हो वहां पर ये ऑयल यूज हो जाता है। फिर मेरे पास एक है रोज ऑयल है, रोज ऑयल जो है ये भी बालों वालों के लिए भी कहते हैं, मैं तो नहीं यूज करती बालों में, बहरहाल ये जाविया वालों का है और ऑर्गेनिक, वो ये क्लेम करते हैं कि दिस इज 100% ऑर्गेनिक ऑयल जाविया का। फिर उसके बाद ये मैं टर्की से लाई थी आर्गन ऑयल, इससे बाल बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, तो वो तो मैं मान रही हूँ, मतलब टेक्सचर जो है बालों का ऑयलिंग से बड़ा अच्छा होता है। फिर उसके बाद ये भी किसी कंपनी का ऑयल है और ये भी लाइक इट इज अ गुड क्वालिटी ऑयल। ये टी ट्री ऑयल है, बड़ा खुशबूदार होता है, इसको आप स्किन के लिए यूज कर सकते हैं, एंटी रिंकल है इसमें क्वालिटीज और एंटी फंगल भी है। अगर नाखूनों में कई दफा होता है ना कि हम ग्लव्स के बगैर बर्तन चर्तन बहुत धोएं तो यहाँ पर नीला नीला सा एक फंगस जम जाती है, वो आधा नाखून, फिर वो नाखून उतर जाता है, उसमें अगर ये अच्छी तरह अंदर सीप कर करके आप कॉटन से ताकि वो अंदर चला जाए ये ऑयल, तो ये आपकी फंगल इन्फेक्शन, खासतौर पे पाओ के जो नाखून होते हैं ना, समटाइम्स उनमें भी बंद जूते पहनने की वजह से फंगल इन्फेक्शन हो जाती है और वो आधा पीला पीला सा हो जाता है नाखून, उसको आप लगाते रहे आपका फ्रेश हो जाएगा नाखून। और ये जो है ये कंपनी है वैली नजरिया, मेरी कमजोरिया हो गई है, वैली बेरी, वैली बेरी। तो ये कहते हैं कि जी ये हेयर फॉल के लिए और जनाबे अली हेयर थिकनेस के लिए, तो खैर ऑयल अच्छे होते हैं लेकिन थिकनेस भाई उतनी ही होगी जितनी आपकी जर। हाँ, ये तो कंपनीज अपनी मशहूरी के लिए पता नहीं क्या कुछ कह देती है। कईयों को कोई शैम्पू सूट कर जाता है, कईयों को आप अपना देख लें कि आपको कौन सा सूट कर रहा है। खाना पीना आप अपना अच्छा रखें और बालों को केयरफुली हैंडल करें, तो जो मिले हुए हैं बाल वही आपके हैं, और अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सेहत दे, और सब अपनी जगह पे खूबसूरत होते हैं और हर किसी को अल्लाह ताला ने अपनी अपनी खूबसूरती दी हुई होती है, इसमें कोई डाउट नहीं होती है। उसको एंजॉय करें और मुझे मेरे साथ चलें नीचे किचन में, क्योंकि मैं अभी करने लगी हूँ सालन गरम, क्योंकि हमारे नान हो रहे हैं ठंडे, तो चल के करते हैं डिनर और उसके बाद आपसे लेते हैं इजाजत। बिल्कुल, चलिए जनाब। दूध हमारा उबल गया है, लेकिन गर्म है, ठंडा होगा तो इसके ऊपर मलाई आएगी। ये हमारा आलू गोश्त है और ये मसूर की दाल है, बहुत मजेदार यमी, और इसके साथ ये हमारे नान है। ये नानों के कान जो बाहर निकले हुए, ये अच्छा किया कि आपने कटवा लिया। हाँ, वाला तो बहुत भाई, ये इतना बड़ा नान को एक बंदा खा सकता है वाला। आलू गोश्त मटन है। तो जी ये मैंने बनाया है अपने लिए चिया सीड्स की पुडिंग। अच्छा, चिया सीड्स को बेस्ट अगर आपने लेना है तो योगर्ट और ओटमील के साथ ले सकते हैं, तो मैंने योगर्ट के साथ लिया है। तो रात को ना इतना सा आधा सा ग्लास पानी लेके उसमें दो चम्मच चिया सीड्स डाल के रख दें, सुबह वो एक जेल सी बनी हुई होगी, एक क्लंप हुआ हुआ होगा, उसको आपने योगर्ट में डाल लेना है। और साथ मैंने थोड़ा
थोड़ा सा हनी डाल लिया है और ये मेरी बन गई है पुडिंग ऑफ चिया सीड्स, ठीक है ना। तो ये मैं योगर्ट के साथ खा रही हूँ, वैसे ओट मील के साथ भी आप खा सकते हैं। कैसा बना हुआ खाना? अच्छा बना। तो तकरीबन बोटियां मेरे ख्याल में सारी मैं ही खाती हूँ। बहुत मजे का बना है। टिपिकल जो आलू गोश्त का टेस्ट होता है। और दाल मैंने अभी तक ट्राई नहीं की, मुझे भी ज्यादा दाल लग रहा है, मुझे ज्यादा गोश्त का शौक है। तो ये था हमारा आज का दिन और आज की रूटीन। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।